नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यूक्रेन संकट में रूस के साथ चीन मजबूती से खड़ा है। अमेरिका की कोशिश काम नहीं आई, यूरोपीय देशों की बात भी चीन ने नहीं मानी। सवाल यह है कि कहीं चीन ने रूस की आपदा के अवसर तो नहीं ढूंढ लिए हैं। रूस की जमीन पर चीन की नजर, रूस के संसाधन हथियाने की चीनी साजिश, रूस से दोस्ती के बदले क्या चाहता है चीन? रूस के बर्फ से ढके ये साइबेरियाई इलाके अब चीन के हवाले होने वाले हैं। पूर्वी साइबेरियाई इलाकों के खजाने पर चीन का कब्जा हो जाएगा। इक्वाडोर में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड हॉलविल ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। चीन की उत्पादन क्षमता इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, लेकिन वो अब भी संसाधनों के मामले में एक गरीब देश है। चीन को अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत है, जिसके लिए उसने साम्राज्यवाद की तरफ कदम बढ़ाया है। यही वजह है कि चीन ने 165 देशों के 13,427 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। पिछले एक दशक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में निवेश किया है, अफ्रीकी देशों में निवेश किया है और दक्षिणी अमेरिका में बड़ा निवेश किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जोर लगातार इस निवेश को और बढ़ाने पर है, ताकि अमेरिका को पछाड़ा जा सके और वो दुनिया की नई महाशक्ति बन सके। और इसके लिए चीन आपदा में अवसर ढूंढता है, देशों की मजबूरियों का फायदा उठाता है। चीन का अगला शिकार रूस बना है। यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस जबरदस्त आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। सिर्फ चीन है जो गुप्त रूप से रूस की अर्थव्यवस्था को खड़ा रहने में मदद कर रहा है, लेकिन मदद के बहाने चीन का बड़ा लालच छिपा है। दरअसल चीन की नजर रूस के पूर्वी साइबेरिया इलाके पर है, जिसे रशिया फार ईस्ट कहा जाता है। रूस का ये वही अविकसित इलाका है जहाँ तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, निकल, टीन, पारा, सोना, चांदी जैसे मूल्यवान खनिज मौजूद हैं। रूस बहुत लंबे वक्त से इस क्षेत्र को विकसित करने में नाकाम रहा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी साइबेरिया इलाके को विकसित करने के लिए 2020 में अरबों रुपए निवेश करने की योजना बनाई थी। इस क्षेत्र में आबादी बढ़ाने के लिए मुफ्त जमीन देने की पेशकश भी की थी, लेकिन सर्वे में सामने आया कि 48% निवासी इस क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं। रूस के लिए पूर्वी साइबेरिया इलाके को विकसित करना एक मुश्किल चुनौती है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए रूसी नागरिक वहाँ नहीं रहना चाहते। पूरा इलाका बर्फ से ढका है, इसलिए सर्दी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन चीन की नज़र रूस के इसी इलाके पर है, क्योंकि पूर्वी साइबेरिया से चीन की लंबी सीमा लगती है। चीन के 3 प्रांत पूर्वी साइबेरिया से लगते हैं, इसलिए संभव है कि यूक्रेन संकट के बाद रूस अलग थलग पड़ जाएगा। उस वक्त चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग पूर्वी साइबेरिया इलाके की जमीन को पट्टे पर देने का दबाव डाल सकते हैं। यहाँ ये बात भी याद रखनी जरूरी है कि चीन ने कभी रूस के इस पूर्वी साइबेरिया इलाके के बड़े हिस्से पर दावा किया था। साल 1958 में अमूर एनेक्सेशन के जरिए रूस ने वापस इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। मार्च 1969 में दोनों देशों के बीच हेईलोंगजियांग प्रांत के चेनबाओ द्वीप पर एक सैन्य संघर्ष भी हुआ था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बदले हुए परिदृश्य में चीन और रूस एक साथ हैं। अमेरिका को कमजोर करना हो, आर्थिक समझौते हो, रक्षा समझौते या फिर भविष्य में अन्य प्रोजेक्ट्स, दोनों एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो वक्त अब दूर नहीं जब रूस मजबूरी में अपने पूर्वी साइबेरियाई इलाके चीन को सौंपने में देर नहीं लगाएगा।